नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कांजी बड़ा बनाना सिखाऊंगी। कांजी बड़ा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कांजी बड़ा बनाने के लिए मैंने किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। मैंने बड़ा बनाने के लिए 1/2 कप मूंग की दाल को लिया है और 1/2 कप उड़द की दाल को लिया है और इसे मैंने 5 से 6 घंटा भिगो कर रखा था और इसे मिक्सी में इस तरह से दरदरा मैंने पीस लिया है। ज़्यादा महीन इसे, ज़्यादा बारीक इसे नहीं पीसा है और इसे अच्छे तरीके से इस तरह से फेंट लेना है। बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, बिल्कुल ये फ्लफी हो जाए और काफ़ी हल्का हो जाए। ये इसे आप इस तरह से टेस्ट कर सकती हैं। आप पानी में इस तरह से इसके बड़े को इस तरह से डालेंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हमारा अच्छी तरीके से बड़ा जो है फिट चुका है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें खड़ा धनिया हल्का मैंने दरदरा इसे कूट लिया है डालूंगी। 1 टीस्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। आप चाहे तो बारीक पिसा हुआ भी मिर्च डाल सकती हैं और 1 टीस्पून हरा धनिया को डालूंगी और इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। नमक इसमें नहीं डालूंगी। ये हमारा बड़ा का बैटर तैयार हो गया। अब मैं कांजी बड़ा का पानी तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी को लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून इसमें मैं सरसों को डालूंगी। आप चाहे तो राई का भी प्रयोग कर सकते हैं और सरसों में भी काली सरसों या पीली सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च या गोल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून, इन सभी मसालों को इस तरह से मिला लेना है और इसे कम से कम 72 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। तब सरसों या राई के चलते ये जो बड़ा का पानी है इसमें हल्का खटास आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने कांजी बड़ा का पानी जो है 72 घंटे से इसे रखा था और अब मैं बड़ा बनाकर इसी में डालूंगी। और ये जो पानी मैंने अभी तुरंत तैयार किया है इसे मैं हटा दे रही हूँ। इसलिए आप जब भी आपको कांजी बड़ा बनाना हो तो पहले आप बड़ा का पानी 2 दिन पहले इसे आप तैयार करके रख दीजिएगा, तब उसके बाद बड़ा छानकर उसमें मिला देना है। तो चलिए बड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा बिल्कुल फिट चुका है अच्छे तरीके से और अब मैं बड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी को इस तरह से लिया है और एक मैंने इस तरह से प्लास्टिक को इस तरह से ये देखिए और इसके ऊपर मैं इस तरह से हल्का तेल को लगा लूंगी और बड़ा को जिस साइज का आप चाहती हैं बड़ा उस साइज का आप बना सकती हैं और इसे इस तरह से ये देखिए जितना मोटा पतला आप चाहती हैं ये हमारा ये देखिए और इसे इस तरह से
निकाल लेना है और इसी तरह से फिर इस पर इस तरह से तेल लगा लूंगी। और तेल लगाने के बाद इसी तरह से मैं सभी बड़ा को इस तरह से मैं बना लूंगी। आप चाहे तो किसी भी साइज या आकार का बना सकती हैं। ये देखिए इसी तरह से मैं सभी बड़ा को तल लूंगी। बड़ा हमारा बिल्कुल सेक चुका है और अब मैं इसे इस तरह से प्लेट से निकाल कर फिर मैं इसे बड़ा के पानी में डाल दूंगी। और अब मैं इस तरह से डाल दूंगी। पहले मैंने आपको प्लास्टिक लगाकर बड़ा बनाना बताया था, लेकिन आप इस तरह से पतला कपड़ा, ये देखिए बिल्कुल पतला कपड़ा है ये, और इससे भी आप बड़ा को बना सकती हैं। सबसे पहले इसमें इस तरह से आपको अच्छे तरीके से पानी लगा लीजिए और पानी लगाने के बाद इस तरह से आप बड़ा को रखिए और इस तरह से हल्का पानी और इसे ये देखिए इस तरह से आपका ये देखिए निकल गया। फिर एक और बनाकर दिखाती हूँ आपको, जिससे सुविधा लगे वो प्लास्टिक से या इस पतले कपड़े से, तो जिससे सुविधा हो आप उसी से इस तरीके से बड़ा को बना सकती हैं। ये देखिए पानी लगाकर और इसे इस तरह से हटा लेना है। ये देखिए देखिए इस तरह से पानी लगाना है और इसे रखकर फिर हाथ में पानी लेकर इसे इस तरह से गोल कर लेना है और देखिए ये अपने आप इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से मैं सभी बड़ों को बना लूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कांजी बड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे आप 3 से 4 घंटे के बाद आराम से खा सकती हैं। ये बड़ा बिल्कुल जो है ये पानी में फूल जाएगा। और यदि आप जल्दी कांजी बड़ा खाना चाहती हैं तब आप इसमें 1 नींबू का रस इसमें मिला सकती हैं और इसे तुरंत खा सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।